एक्चुअली क्या है कि जैसे ही केटी ने अपने पिछले अभी इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि सीरियल का नाम सपने सुहाने लड़कपन के नहीं सपने सपने सुहाने डॉक्टर रचना के होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि केटी को अगर कुछ हो जाता है, कुछ भी होता है, तो रचना की घंटियाँ बजती है, कैसे बबल आते हैं कि हाय राम केटी को क्या हो गया, फिर वो दौड़ी दौड़ी केटी के पास जाती है और उसकी उसकी देखभाल करती है, ऑब्वियसली क्योंकि वो केटी के लिए केयर करती है, और उसे देख के केटी बेहोश हो जाते हैं ना रचना के इफेक्ट से. सो रचना को देख के केटी बेहोश हो जाते हैं, फिर उनकी देखभाल करती है, ऑफकोर्स वो बीमार हो जाते हैं. तो रचना के दिल में केटी के लिए कुछ नहीं, क्योंकि रचना के दिल में क्या है कि केटी उसका बॉस है, उसकी वजह से उसको केटी से इतना कुछ सीखने को मिला, और केटी एक अच्छा इंसान है, और केटी सोनल के जाल में ना फंसे इसलिए उसने उसको बचाने की कोशिश की, केटी बच गए, लेकिन क्या है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से उससे अपना काम छोड़ना पड़ा, तो उसका एक गिल्ट है कि मैंने अपना काम छोड़ दिया ये सब कुछ. लेकिन अकॉर्डिंग टू हर वो केटी को पसंद करती है, लेकिन नॉट एज मतलब वो केयर करती है केटी के लिए, नथिंग एल्स, प्यार व्यार नहीं है.